हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय के दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कूलाम के नियम को। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार कूलाम का नियम है क्या, कूलाम ने अपने नियम में बताया क्या। दोस्तों, सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो बिंदु आवेश है उनको समझिए दोस्तों। जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं और कंघी करने के बाद में जब कभी आप उस कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो क्या होगा कि उस पर चिपक जाता है, या मिट्टी के पास ले जाएंगे तो वो उस पर चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में कोई ना कोई बल लगा, तो वो बल जो है उसी के संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया और उसी नियम को हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने चीजें लिख दी है कि सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम के नियम से नाम से जानते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमें यह जानना है कि इन्होंने अपने नियम में बताया क्या। तो इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको भी यहां पर हमने लिखा है। यहां पर देखिए, इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है। पहला बिंदु आवेश मान लेते हैं यहां पर है और दूसरा बिंदु आवेश यहां पर है। इसको बिंदु ए हम मान लेते हैं, इसको बिंदु बी हम मान लेते हैं। अब बिंदु ए पर जो आवेश है उसको हम मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पर प्लस क्यू वन हम मान लेते हैं। और इस बी बिंदु पर हम मान लेते हैं कि यहां पर प्लस क्यू टू आवेश रखा है। और इनके बीच की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है वो r है। इस तरीके से यहां पर दो बिंदु आवेश हमने मान लिए q1 और q2 को, और इनको हमने r दूरी पर रख दिया। अब इस पर हम नियम लगाते हैं। तो नियम लगाते समय हम सबसे पहले लिखेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार, लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। अब देखिए पहली बात, यहां से देखिए, इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अर्थात यफ उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि यफ जो होता है, बल जो होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो यहां पर हम लिख देंगे Q1 इंटू Q2। ये इन्होंने अपने पहले स्टेप में बताया। पहली बात क्या बताया कि उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहां पर हमने लिख दिया ये जो F है ये अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 को, अर्थात इस आवेश और इस आवेश के गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती। दूसरे स्टेप में इन्होंने बताया कि अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया और तथा लिखेंगे। तथा के बाद इन्होंने क्या बताया, बीच की दूरी के वर्ग अर्थात r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर ये जो बल F होगा वो क्या होगा, वन अपान आर स्क्वायर होगा, अर्थात यहां पर क्या बताया है, व्युत्क्रमानुपाती और वर्ग के। तो बीच की दूरी का वर्ग आर स्क्वायर हो गया और व्युत्क्रमानुपाती अर्थात ये वन अपान आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर हमारा टू बन गया। तो यहां पर इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम यहां पर लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल दे, यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब हम इस समान अनुपाती का जो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको जब हम हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक K आ जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो K है ये K क्या है, आपका नियतांक है, और K का मान होता है, चूंकि हम यहां पर लिखेंगे चूंकि K इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अगर हम F का मान यहां पर K का मान रख दे यहां पर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें यहां पर एक सूत्र मिल गया, क्या सूत्र मिला, यहां पर हमें सूत्र मिला F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरीके से इन्होंने जो आपके कोलाम है इन्होंने ये नियम दिया और इस नियम के तहत हमें ये एक सूत्र मिला। अब एक चीज यहां पर जानिए कि ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका जो मान होता है वो क्या होता, तो इसका आपका मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 के घात 9, ये आपका मान होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि चूंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस मान को यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान को यहां पर उठाकर रख देंगे तो हमें और सरलता मिल जाएगी। तो यहां पर F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9 और यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हमारा जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो इस तरीके से F का मान और सरल करने पर हमें ये मिल गया। तो इस तरीके से ये जो आपका पूरा स्टेप था ये था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम से जो हमको सूत्र मिला वो मिला F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बल का मात्रक आपका न्यूटन हो गया। तो ये था आपका कूलाम का नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसका मान हम निकालेंगे। तो गाइज अब हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, ये अभी हमने आपको बताया है। अब अगर हमने ये बताया है तो यहां पर ये भाग कर रहा है उस तरफ जाएगा, गुणा करेगा, अर्थात 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां पर बचेगा 9 गुणे 10 के घात 9 इंटू, यहां पर ये भाग कर रहा था यहां पर आएगा गुणा करेगा तो यहां पर 4 पाई हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर क्या है एप्सिलॉन नॉट, अब अगर हम इसको इधर ले आए और इसको यहां लाए तो कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 4 पाई, यही होगा। फिर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा अगर और सरल करेंगे तो यहां पर देखो 9 गुणे 10 के घात 9 हो गया इंटू 4 यानी 4 इंटू, देखो पाई लिखा ना, पाई का मान क्या होता है 3.14, अब हम 9 चौक 36 इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहां पर 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा गुणे 10 के घात 9 गुणे 3.14। अब इसका इसका गुणा करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा 1 अपॉन यहां पर होगा 113.04 गुणे, अब केवल यही बचेगा 10 के घात 9 क्योंकि इसका और इसका गुणा करने पर ये मिल जाएगा 113.01 गुणा कीजिएगा आपको ये मिलेगा। उसके बाद में अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि ये जो 10 के घात 9 लिखा हुआ है ये प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सबसे पहली बात तो इस 113.04 से एक में भाग करेंगे, तो जब हम भाग करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 0.00884,
इतना मान आएगा जब आप इसको एक में भाग देंगे इससे, तो इतना आपका आ जाएगा। और 9 के घात, यहां पर 10 के घात 9 जो लिखा है, ये अब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर गुणे 10 के घात माइनस 9 हो गया। इतनी बात हो गई। फिर अब यहां पर हम थोड़ा सा और सरल करते हैं। ये जो दशमलव है ये 0 0, अब दशमलव के बाद 0 0 तब 8 है, तो हम क्या करते हैं कि इस दशमलव को 3 अंक इधर लाते हैं, अर्थात यहां पर हम लिखते हैं 8.84 गुणे, अब 10 के घात यहां पर माइनस 9 था, अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जैसे हमने 1 2 3 अंक दशमलव को उधर ले गए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस में यहां पर -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ यहां पर आए हैं, तो क्या होगा यहां पर माइनस माइनस प्लस अर्थात ये जुड़ जाएगा और टोटल हमें मिलेगा अब साइलेंट नॉट का मान 8.84 गुणे 10 के घात 9 और 3 जुड़ जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 12, अर्थात यहां पर -12 हो जाएगा और यही आपका अब साइलेंट नॉट का मान हो जाएगा। इसके मात्रक की अगर बात की जाएगी तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति, यहां पर हो जाएगा न्यूटन से मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया इसको यहां पर जान लेते हैं। यहां पर अब साइलेंट नॉट का जो मात्रक है इसको हम जानते हैं, यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे अब साइलेंट नॉट का मात्रक। तो अब साइलेंट नॉट के मात्रक को निकालने के लिए हमें पता है कि हम यहां फिर से लिखेंगे, हम क्या जानते हैं कूलाम का नियम जानते हैं। तो वहां पर क्या हमें कूलाम के नियम में क्या पता है, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2/r² होता है, ये हम जानते हैं। हमें निकालना क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो इस एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या कर रहा है भाग कर रहा है, यहां पर आएगा गुणा करेगा, और एफ यहां पर क्या कर रहा है गुणा तो उधर जाएगा। अभी देखो यहां पर कुल मिलाकर यहां पर एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इधर ये भाग कर रहा है इधर आया गुणा करने लगा। अब यहां पर 1/4 पाई बचा इंटू Q1 Q2/r² बचा, एफ यहां पर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा 1/4 पाई और एफ इंटू में हो जाएगा इंटू Q1 Q2/r², यही तो होगा। अब इसका मात्रक यहां पर निकालिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए। देखो ऊपर क्या है केवल Q1 और Q2 है, तो यहां पर Q1 यानी क्या है, Q1 क्या है एक आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो यहां पर एक कूलाम ये हो गया और एक कूलाम ये हो गया, अर्थात कूलाम और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर इतना हो गया। उसके बाद में बटे लगा हुआ तो यहां पर हमने प्रति लगा दिया। उसके बाद में यहां पर लिखा गया है एफ, ये तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका कोई मात्रक होता नहीं है, अंक वाले संख्या का कोई मात्रक होता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 4 है और पाई का मान आपको पता है कि 3.14 होता है, तो अंक का कोई मात्रक नहीं होता तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यहां पर हम लिखेंगे न्यूटन, अब ये हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और फिर से लिखे लगाएंगे। और R हमारी दो आवेशों के बीच की दूरी है, यहां पर जैसे अभी हमने बताया था ना Q1 Q2 के बीच की दूरी हमने R ली थी, तो R क्या है, R हमारा है दूरी, और दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, तो कुल मिलाकर यहां पर 2R है, अर्थात मेरी जो हमारा दूरी है वो क्या है 2 है, अर्थात यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है इसको निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो गाइज हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जान लिया। अब यहां पर एक पॉइंट पर बात करते हैं, यहां पर हमने लिखा है यदि आवेश Q1 Q2 निर्वात में ना रखकर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तब, मतलब कहने का क्या है कि जो हमने Q1 और Q2 रखी थी R दूरी पर, ये हमने कहां रखी थी निर्वात में रखी थी। अब मान लीजिए कि अगर हम Q1 और Q2 को तेल में रख दें, या Q1 Q2 को मोम के अंदर रख दें, या Q1 Q2 को किसी और माध्यम में रख दें, तब क्या होगा, तब F का मान क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में F के मान क्या होंगे अगर हम
तेल में या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दे तो क्या होगा उसका मान। तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि कूलाम का नियम से क्या पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 / r². ये हमें पता है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, जो कि निर्वात के लिए यहां पर दिया गया, ये हमें पता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 / r² होता है। अब यहां पर क्या है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तो बस यहां पर थोड़ा सा बदलाव होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा, और उसके बाद में 1/4πε0 और के यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, और यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 / r², बस सिंपल सा हो जाएगा। अब यहां पर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते हैं। ये आपका निर्वात के लिए मान हो गया, ये आपका के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए मान हो गया। अब इन दोनों जो हमारा ये दोनों समीकरण है, इनका यूज करके हम एक सूत्र और निकालेंगे, वो क्या होगा, हम क्या कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा F अपान और ये क्या हो जाएगा F के, और यहां पर क्या हो जाएगा F का मान हो जाएगा, तो यहां पर होगा 1/4πε0 इंटू यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 / r², फिर बटे में नीचे F के का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये आपका हो जाएगा Q1, यहां पर देखो के लिखा है तो के लिख दिया जाएगा Q1 Q2 / r². हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दिया था, तो उसका x में दूसरे से भाग दे दी, तो भाग दिया तो क्या होगा, ये F के हो गया, F के स्थान पर F का मान हो गया और F के का मान यहां पर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये और ये पूरा कट गया, उसके बाद में ये और ये पूरा कट गया, केवल यहां पर क्या बचा, k बचा। तो अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F अपान FK हो गया, और यहां पर 1/ क्या हो जाएगा, देखो 1/K बचा हुआ, यहां पर क्या हुआ 1/K बचा हुआ, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, यहां पर हो जाएगा F अपान FK इज इक्वल टू, देखो यहां पर अगर मैं इस चीज को गुणा में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/1, ये तो सबसे पहले आगे उतर आएगा, और इसको अगर मैं गुणा में बदलूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और के ऊपर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा के अपान, कुछ इस तरीके से यहां पर के अपान 1 हो जाएगा, और यहां से हमें मिलेगा F अपान FK इज इक्वल टू के, और ये हमारा हो जाएगा सूत्र, एक सूत्र हमें यहां से और मिल गया। तो गाइज अब हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप को समझते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 11th में पढ़े गए दो सूत्र को समझना होगा। पहला सूत्र जो आपने वेक्टर वाले चैप्टर में माडा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए पढ़ा होगा, अर्थात माडा वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ हमने यहां पर लिख दिया है, पहला सूत्र। दूसरा आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन माडा वेक्टर ए, तो यहां पर ये सूत्र दोनों यूज होंगे, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। अब मैं चित्र बनाता हूं, यहां पर मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, यहां पर मान लेते हैं कि एक बिंदु बी है, इस पर आवेश मान लेते हैं प्लस Q1 रखा है, इस पर आवेश मान लेते हैं प्लस Q2 रखा है। अब ये जो आवेश है ये समान प्रकार के आवेश है, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश, अर्थात दोनों धन आवेश है, तो हमने आपको बता रखा है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, तो इस तरफ एक बल लगेगा F और इस तरफ एक बल लगेगा F, लेकिन डायरेक्शन देखिए Q2 Q1 की ओर लगाएगा, अर्थात 1 पर 2 बल लगाएगा तो F12 हो गया, Q2 पर 1 बल लगाएगा तो 21 हो गया, तो इस तरीके से 12 हो गया, ये 21 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 पर 2 बल लगा रहा है तो 12 हो गया, 2 पर 1 बल लगा रहा है तो 21 हो गया। अब देखते हैं इस तरफ से इस तरफ की दूरी देखते हैं, तो दूरी क्या होती है हमारी r हो जाती है,
और चूंकि इस तरफ से इस तरफ की ओर दूरी मापी गई है तो 2 से 1 की ओर, तो 2 1 हो गया। इस तरफ की से इस तरफ की दूरी तो सबसे पहले तो r हो गया, और किस तरफ से मापी गई है 1 से 2 की ओर, तो 1 2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन की दूरी को लिया जाएगा। तो देखिए, इस तरफ बल लग रहा है तो इस वाले बल के लिए ये दूरी ली जाएगी, और इस तरफ बल लग रहा है तो इस तरफ वाली दूरी ली जाएगी। यहां पर ध्यान देखिएगा, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ वाली दूरी ली जाएगी। तो ये चीज आपको समझ पर आनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है माड ऑफ वेक्टर एफ इजिकल टू एफ लिखा गया है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आप एफ 1 2 के लिए लिखिए, एफ 1 2 वेक्टर आप एफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए माड ऑफ वेक्टर एफ इजिकल टू एफ लिखा गया है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, माड ऑफ वेक्टर एफ 1 2 इजिकल टू 1 2, यही तो लिखना चाहिए। लेकिन यहां पर 1 2 नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जब तक वेक्टर लगा है तब तक ये जो 1 2 है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है दिशा को दर्शा रहा है। लेकिन जब वेक्टर हट जाता है तो दिशा का कोई मतलब रह नहीं जाता, तो वेक्टर हट गया तो 1 2 का कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर एफ 1 2 इजिकल टू क्या हो गया, एफ हो गया। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा एफ 2 1, एफ 2 1 की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी एफ हो जाएगा, एफ 2 1 होना चाहिए। लेकिन जब वेक्टर हट जाएगा, जब यहां पर एफ जो माड ऑफ वेक्टर एफ इजिकल टू एफ है, तो जब एफ है तो यहां से वेक्टर हट तो जा रहा है, तो जब वेक्टर हट जाएगा तो इस 2 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 1 दिशा को दर्शाता है। तो जब वेक्टर हट जाएगा तो दिशा का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो इस तरीके से या माड ऑफ वेक्टर एफ 1 2 इजिकल टू एफ, माड ऑफ वेक्टर एफ 2 1 इजिकल टू एफ लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में हम लिख सकते हैं माड ऑफ वेक्टर 1 2 इजिकल टू माड ऑफ वेक्टर 2 1 इजिकल टू एफ, अर्थात ये दोनों ही एफ के बराबर है, तो लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद में अब हम लिखेंगे कूलाम के नियम को, अर्थात हम जानते हैं कूलाम के नियम को जानते हैं, अर्थात एफ इजिकल टू 1/4πε0Q1Q2/r2, ये हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हम जानते हैं तो एक चीज और यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है कैप ए, इसके स्थान पर हम एफ रखते हैं, यहां पर हमने एफ रख दिया, यहां पर हमने एफ रख दिया, यहां पर हमने एफ रख दिया। अब ध्यान दीजिए, माड ऑफ वेक्टर एफ इजिकल टू एफ होता है, तो यहां पर हम एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माड ऑफ वेक्टर एफ लिखा है इसके स्थान पर एफ लिख सकते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैप एफ इजिकल टू वेक्टर एफ अपान एफ लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर हमें वेक्टर एफ का मान निकालना हो तो हो जाएगा एफ, ये यहां पर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, तो यहां पर एफ कैप हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, चूंकि वेक्टर एफ इजिकल टू एफ इंटू एफ कैप, यही तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान रखते हैं, और इस 1 2 के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे एफ 1 2, वेक्टर एफ 1 2 का मान निकालते हैं, तो यहां पर f का मान हमारा इतना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/4πε0Q1Q2/r2, इतना हो गया इंटू। अब देखो यहां पर ये जो f कैप है ये क्या दर्शाता है, f कैप आपको दर्शाता है कि ये जो बल लग रहा है ये जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा के दूरी को दर्शाता है। तो इस दिशा में बल लग रहा है तो इस दिशा की दूरी क्या है, 2 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैप 2 1 हो जाएगा, कैप r 2 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो f है ये क्या दर्शा रहा है, ये जो बल लग रहा है उसी बल की दिशा की दूरी को दर्शा रहा है, अर्थात यहां पर इस तरफ की जो दूरी है वो क्या है, r 2 1, तो यहां पर r 2 1 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे तथा f 2 1, अब हम f 2 1 निकालते हैं, f 2 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, f का मान यहां पर देखिए 1/4πε0 इंटू Q1Q2/r2, यही तो होगा इंटू, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, F कैप, तो F कैप जो है ये क्या दर्शाता है, ये बल निकाल रहे हैं ना, यहां पर ये बल निकाल रहे हैं, तो ये जो बल है इसकी दिशा की ओर मापी गई दूरी, तो इसकी दिशा की ओर मापी गई दूरी क्या है, R12 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैप R12,
यही चीज तो लिखेंगे। अब हमें यहां से मिला क्या, यहां पर हमें दो समीकरण मिला, एक तो फर्स्ट ये, एक ये सेकंड ये। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से क्या मिला, पहली चीज जो मिली। देखो यहां पर क्या है कि F12 वेक्टर F12 और वेक्टर F21 का जो मान है वो सेम है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये मान सेम, ये मान सेम, ये मान सेम, ये मान सेम, बस ये भी दोनों मान सेम है। दिक्कत क्या है, दोनों देखो एक दूरी दोनों की समान है, बस दिक्कत क्या है कि इसका डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, और इसका डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। अर्थात ये जो बल लग रहा है, इस बल की दिशा तो मतलब विपरीत है, लेकिन इसका मान जो है वो समान है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर बल की दिशा, बल की दिशा विपरीत है, परंतु बल के मान बराबर है। अर्थात यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F12 is equal to F21, ये तो लिख सकते हैं, क्या लिखा है, परंतु बल के मान बराबर है, क्यों, क्योंकि देखो मान तो पूरा बराबर, बस केवल डायरेक्शन चेंज है, बल की दिशा है, इस पर बल उस तरफ लग रहा है, इस पर बल इस तरफ लग रहा है, तो दोनों की दिशा केवल मतलब विपरीत है, तो दिशा विपरीत है, इसका अर्थ क्या होगा, यहां पर माइनस लग जाएगा। ये माइनस क्या दर्शाएगा कि इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो विपरीत है, बाकी मान जो है वो बराबर है। ये आपका पहला आपको पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट आपको मिला है कि ये जो बल लग रहा है वो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लग रहा है, अर्थात एक ही लाइन में बल लग रहा है, जो उस तरफ बल लग रहा है वो भी एक लाइन में लग रहा है, और जो इस तरफ बल लग रहा है वो भी एक ही लाइन में लग रहा है, अर्थात इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहा है। इसी कारण से क्या होगा कि ये जो आपका विद्युत बल होता है, किन्हीं आवेशों के बीच बल होता है, यहां पर लिखेंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल केंद्रीय बल होता है, क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जो बल लग रहा है इसी रेखा में उस तरफ लग रहा है और इसी रेखा में इस तरफ लग रहा है, अर्थात दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहा है, और जब इस तरीके से बल लग रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल कहा जाता है। तो इसी कारण से क्या कहा गया कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, केंद्रीय बल है। तो दो चीजें मिली कि जो बल का मान है वो समान होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, यानी दिशा विपरीत होती है, तो यहां पर ये माइनस चिन्ह डायरेक्शन को बता रहा है, बाकी दोनों का मान सेम है, ये हो गया, और दूसरा ये केंद्रीय बल हो गया। तो ये आपका हो गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम जानेंगे विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना को, इस चीज को समझेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर विद्युत बल लिख दिया है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लिख दिया है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है, हमें नीचे खींचती है, यानी कोई पिंड जो होता है वो दूसरे पिंड को खींचता है, ये क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, यानी कि विद्युत बल जो होता है, वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों, अर्थात किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। तो पहला जो चीज है वो समझिए, पहली चीज यहां पर लिखा गया है, विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब क्या है कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बहरहाल इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो एक्सपेरिमेंट कर आपको दिखाया है कि आप दो बैलून ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दो बैलून ले लीजिए, दोनों बैलून को आप एक साथ अपने सूखे बालों में, एकदम जो आपका बाल सूखा सूखा हो उसमें आप रगड़िए, दोनों बैलून को रगड़िए, एक धागे में उसको पहले लटका लीजिए, ठीक, उसके बाद में दोनों को पकड़कर बालों में, सूखे बालों में थोड़ी देर तक रगड़िए, घर्षण कराइए, फिर आप छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात वो एक दूसरे के पास ना जाकर दूर हटेंगे, पहली चीज। उसके बाद में उसी एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि दोनों बैलून को लेना है,
एक बैलून को बालों में नहीं रगड़ना है, केवल एक बैलून को रगड़ना है और छोड़ देना है, तो क्या होगा कि दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से क्या प्रूव होता है कि जो आपका विद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, अर्थात वो एक दूसरे को क्या कर सकता है, आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। और हमने आपको बता रखा है कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं, जो आपके यहां पर हम लिखते हैं, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर यहां पर विपरीत प्रकार के आवेश है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये चीज हमने पहले वाले वीडियो में बहुत ही बाकायदा पढ़ा रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो ये चीज हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल लगता है। मतलब जैसे कि अगर ये जो हमारा मार्कर है इसको ऊपर से नीचे गिराया जाए तो ये नीचे गिरेगा, अर्थात पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी। ये नहीं है कि इसको दूर ढकेलेगी, कभी दूर ढकेलती है किसी वस्तु को पृथ्वी, नहीं ढकेलती है। तो इसी कारण से क्या कहा गया कि ये केवल आकर्षण बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता है। ये चीज पहली तुलना हो गई। दूसरी, यह दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है यानी विद्युत बल जो होता है वो माध्यम में निर्भर करता है। माध्यम अभी हमने आपको पढ़ाया है कि अगर जो बल का मान है F का मान, जो F का मान अभी हमने निकाला था उसमें क्या कहा था कि अगर निर्वात में है तो उसका मान अलग होगा, और फिर अगर तेल में उसको रखकर मान निकाला जाए या मोम में रखकर निकाला जाए, उसका जो माध्यम उसको चेंज कर दिया जाए तो बल का मान चेंज हो गया था, क्या हो गया था, एफ के हो गया था। तो ठीक इसी तरीके से आप जानिएगा कि माध्यम पर ये चीज निर्भर करती है। और ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है, दो चीजों के मास पर। अर्थात जैसे ये क्या है कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर को ऊपर से गिराया जाए और इस मार्कर के कैप को ऊपर से गिराया जाए तो सबसे पहले आपका मार्कर गिरेगा क्योंकि ये ज्यादा भारी है तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये कम भारी है इसी कारण से ये कम बल लगेगा। आप इस चीज को कर देखिएगा कि एक बहुत हल्के चीज को ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे आने में टाइम लगाएगा, लेकिन एक भारी चीज को जब आप ऊपर से गिराएंगे तो वो तुरंत के तुरंत गिर जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे यही प्रूव होता है कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो जो आपकी वस्तु है उसके मास पर डिपेंड करती है, पिंड जो दो पिंड होंगे उनके मास पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। तो यहां पर लिख दिया गया दोनों पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। जो विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है, और यहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी अपेक्षा कम प्रबल होता है। तो ये आपके हो गए तीन यहां पर तुलना विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।